हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। आज का रीडिंग होने वाली है ट्विन फ्लेम के ऊपर। मैं हर हफ्ते वीकली रीडिंग देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग, ताकि आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो उसमें दी गई गाइडेंस को भी आप फॉलो कीजिए। उसमें दी गई सजेशन को अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको ज़रूर ये मेरा वीडियो देखना चाहिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली इसमें दी गई गाइडेंस भी आपको फॉलो करनी चाहिए, ज़रूर ये वर्क करती है। आप इन सब चीज़ों पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि कई बार कुछ डाउट करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको रेजोनेट हो रही है तो आप उस चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं कि हमको किस तरफ जाना है, हमको इस जर्नी पे क्या करना है। तो मैंने टू पाइल्स आपके सामने रखी हैं, आप चूज़ कर लीजिए जिसको भी जिस पाइल के साथ जाना है। पाइल वन मैंने रखा है क्रिस्टल, पाइल टू के लिए ये क्रिस्टल, आप इसमें से कोई सा भी क्रिस्टल चूज़ कर लीजिए जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये पर्पल कलर है, ये ट्रांसपेरेंट आप कह सकते हैं वाइट कलर, जिस भी कलर के साथ आपको जाना है आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल वन से, जिन्होंने पर्पल कलर क्रिस्टल चूज़ किया है अपने लिए। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इस वक्त आप किस एनर्जी में हैं और आपका जो ट्विन है वो किस एनर्जी में है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी ये आपके लिए जाएगी, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तब भी जाएगी, सेपरेशन में है तब भी। आप इसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए तो आपको यकीनन ये वीडियो देखना सही रहेगा। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं आपकी डिवाइन फेमिनिन जो मेरा वीडियो देख रही है उनकी एनर्जी चेक करूँगी और उनके पार्टनर की, और जो मुझे सजेशन मिलेगा यूनिवर्स की ओर से मैं आपको वो बताऊँगी। वेरी गुड, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी तो पहले से ही पॉजिटिव आ रही है, अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी आगे निकल चुकी हैं जिन्होंने भी पाइल टू चूज़ किया है। लोग उनको सुन भी रहे हैं, उनको मान भी रहे हैं। अब आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, अब अगला कदम आपको नए स्टेप की ओर लेके जाएगा। आपका जो कदम है इस जर्नी पे एक स्टेप और ऊपर आप जाने वाले हैं। सेपरेशन मुझे तो दिख रहा है, जिन्होंने पाइल टू चूज किया है आपको गाइडेंस भी मिल रही है। वेरी गुड, आपकी हीलिंग हो रही है। आप किसी चीज़ के लिए अगर प्रे कर रही हैं तो आप ये ध्यान दीजिए कि यूनिवर्स आपकी बात को सुन रहा है, टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिल रही है। मुझे यह रीडिंग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और कार्ड निकालना चाहूँगी। देखिए, आपके अंदर ही एनर्जी बैलेंस हो रही है, आप अपने ऊपर काफी काम कर चुके हैं। मैं डिवाइन मस्कुलिन की भी एनर्जी देख लेती हूँ साथ में कि उनका क्या है, कितना आपको मिरर कर रहे हैं आपके जो डीएम है।
सॉरी, मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ क्योंकि कार्ड पूरे नहीं आ। इस साइड है ये डीएफ के कार्ड है और ये साइड है जो डीएम के कार्ड है। काफ़ी मिक्स जैसी एनर्जी है, जिन जो डिवाइन अपनी एनर्जी बैलेंस कर चुकी हैं तो उनके डीएम पे भी वैसा ही असर आ रहा है। अगर आप बीच में ज़रा ज़रा सा कभी कभी डाउट करती हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आपके डीएम पे भी हो रहा है, ये भी बात ट्रू है। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस है, ये किस चीज़ का स्ट्रेस है मैं नहीं जानती हूँ, पर यकीनन आपके डीएम के भी कार्ड काफ़ी पॉजिटिव हैं जो डीएफ पॉजिटिव है। देखिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड उनके भी आ रहे हैं और आपके भी आ रहे हैं। बीच में आपको गाइडेंस की ज़रूरत भी है क्योंकि कुछ ऐसा भी हो रहा है कि शायद आप उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है लेकिन आप शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन साइन को इग्नोर कर रहे हैं। तो मैंने अब कार्ड निकाल लिए हैं, डीएम की साइड भी मुझे समझ में आ गया है। मैं पहले बात करती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। ये जो चीज़ें मुझे दिखा रही हैं, थोड़ा सा शायद आप बीच बीच में अगर डाउट कर रहे हैं, अभी कुछ मेंटल स्ट्रेस है, ये मुझे इस जर्नी का स्ट्रेस नहीं लग रहा। अगर कोई और भी स्ट्रेस है, आपके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसे इशू आपकी लाइफ में अभी भी हैं, शायद आप कुछ टाइम के लिए बीच में अपनी इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उस चीज़ को लेके आपको गाइडेंस दी जा रही है। शायद उस वक्त आपको कुछ नंबर भी बार बार दिख रहे होंगे कि ऐसा मत सोचिए। अगर आपको इस तरह की यूनिवर्स से कोई भी आपको मिल रहा है, हिंट मिल रहा है या कोई साइन मिल रहा है, तो आप उस पर नज़र रखिए कि वो चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं दिख रही है यूनिवर्स की ओर से। यहाँ पे रिकनसाइल की भी एनर्जी मुझे है, सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी मेरे पास है और बैलेंस है। ये देखिए, आपने अपने ऊपर बैलेंस किया हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत लो एकदम डाउन है, अभी भी आप अपर चक्र से ही वर्क कर रहे हैं। अपना आपके अंदर ही मस्कुलिन एनर्जी, आपके अंदर की ये फेमिनिन एनर्जी, आपने अपने आप में ही कंप्लीट किया है खुद को। आप डिपेंडेंसी जो थी पहले आपकी, उससे बाहर आ चुकी हैं। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। देखिए यहाँ पे भी मस्कुलिन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और मैं अगर आपको बताऊँ कि जो डीएम थे, जियो डीएफ एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस किया है। आप खुद देख सकते हैं मिररिंग हो रही है। जैसा ही रिफ्लेक्शन आपका है, आप ये मत सोचिए कि आपके डीएम पे उसका रिफ्लेक्ट नहीं होता है, हो रहा है रिफ्लेक्शन, पूरा हो रहा है। सोलमेट एनर्जी, आपने खुद अपने आप को भी हील किया है, काफ़ी पॉजिटिव है। जो मेंटल स्ट्रेस अगर आप ले रही हैं, उसका भी असर आपके डीएम पे हो रहा है। ये मेंटल स्ट्रेस अब किस चीज़ का है मैं वो समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे डीएम की साइड का नहीं लग रहा कि हाँ आप उसके लिए पेन में है। ये कोई और स्ट्रेस है आपको कोई, तो उस चीज़ को भी आपको हील करने की ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली में कोई इशू है, वर्क का कोई है, तो उसका भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स अभी भी आपके साथ है, इसीलिए वो आपको गाइड कर रहे होंगे। अगर आप इस तरह से बीच बीच में कुछ
इनस्टेबल हो भी रही हैं तो आपको यूनिवर्स गाइड करते होंगे, आपको सिंक्रोनिसिटी होती होगी, आपको वार्निंग मिल रही होगी, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपकी यूनियन या ये TF जर्नी के लिए ही है, वो आपकी अपनी भी जो सोल मिशन है उसके लिए भी हो सकती है वार्निंग। उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और उन सब चीज़ों को नए नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। देखिए, एस ऑफ कप इन रिवर्स, अगर आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आज हैं, या आपके कोई फैमिली इशू है, या मैरिड, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ससुराल में अगर कोई इशू है, तो थोड़ा सा आपको उसमें पॉजिटिविटी लानी है। कैसे लेके आनी है? अपनी पुरानी जो परसेप्शन है उसको बदलिए, जो आप पहले से करती आ रही थी उसको थोड़ा सा बदलिए, उस तरीके को बदलिए। अगर आप उनको बदल नहीं पा रही हैं, उनको समझा नहीं पा रही हैं, तो आप अपनी एनर्जी वहाँ पे मत लगाओ, बल्कि अपने ऊपर ध्यान दो। वो जो कर रहे हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, ये पैसे का कोई भी इशू है, कुछ मेंटल स्ट्रेस तो आपको है, आपको उस चीज़ को भी यूनिवर्स को सरेंडर कर देने की ज़रूरत है। यह है इस हफ्ते की रीडिंग। ये शायद मैंने लास्ट वीक भी किसी को ऐसे गाइडेंस दी थी कि परसेप्शन हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं भी है तो आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, या किसी को सफाई मत दो, आप अपने ऊपर, अपने पे ही फोकस करो, उसी पे ही ध्यान दो। आपके जो DM हैं वो आप पे निगाह रखते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि सॉरी गाइस, मेरा वीडियो कट हो गया था बीच में, तो मैं बोल रही थी कि आप जिस तरह के भी मेंटल स्ट्रेस में अगर हैं भी, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके DM की तरफ भी जाने लगता है, वो भी आपको मिरर करता है। कुछ ना कुछ उसकी भी लाइफ में ऐसा होता है जिस वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक जैसी ही एनर्जी देखती हूँ। कहीं ना कहीं अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी होती है इम्बैलेंस, तो वहाँ पे भी उसका असर होता है। लेकिन आप, मुझे मिररिंग काफ़ी नज़र आ रही है, वो भी मुझे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितनी ही मेहनत आपने अपने आप को बैलेंस करने के लिए लगाई है, आप जो हीलिंग करती हैं, आप ये आपकी एनर्जी में कार्ड आया है, जजमेंट कार्ड, और ये है आपकी DM की एनर्जी में। आप देख सकते हैं इन कार्ड में ही जिस तरह से आप यूनिवर्स से हीलिंग ले रही हैं, उस आपके पर्सन भी वैसे ही अपने आप पे हार्ड वर्क कर रहे हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी है आप दोनों के बीच, मैं कुछ नहीं कह सकती, आप खुद देख लीजिए, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आपकी जो भी प्रे हो रही है, आप जो भी यूनिवर्स से मांग रहे हैं, एंजल से मांग रहे हैं, वो आपके DM पे असर कर रहा है। देखिए, वो भी काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, वो अनकॉन्शियसली वो सब कुछ कर रहे हैं। बस नेगेटिव आपको भी नहीं होना, क्योंकि जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको यूनिवर्स कि से कुछ भी साइन मिल रहा है, कुछ नंबर दिख रहा है, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, आप उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि उसका असर आपके DM पे भी होता है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं आप दोनों की एनर्जी। आपके DM के लाइफ में थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियल भी इशू दिख रहा है, कि शायद उनको कहीं से पैसा आना है, वो नहीं हो रहा। और यहाँ पे आपके DM कुछ और चीज़ की वजह से भी सोच रहे हैं। जिस तरह से आपको कोई और मेंटल स्ट्रेस है, तो उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। जब आप अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, आप कुछ डाउट करती हैं, तो आपके भी पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देखते हैं। आप देख रहे हैं, ये पर्सन जिस तरह आपने अपनी आंखें ढक रखी हैं, आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं, वो भी इमोशनली। आप लॉजिकली कुछ ऐसा कर रही हैं,
वो इमोशनली उन पे असर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। वो भी मुंह फेर के खड़े हैं, जो अपॉर्चुनिटी उनके पास अभी भी है। ये देख रहे हैं कप, वो भी गिरे हुए कपों की तरफ देखे जा रहे हैं, इधर उन्होंने मुंह फेर रखा है। आपका भी देखिए, आप कितने अच्छे बेड पे जैसे बैठे हैं, मतलब कंफर्ट है आपके पास, लेकिन आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आंखें बंद कर रखी हैं। ये भी एनर्जी आपके ही डीएम को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ही ज़रूरत है। अब मैं आपके लिए सजेशन देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, या आपको अब और क्या करना चाहिए। देखती हूँ कार्ड में ही क्या सजेशन मिलता है। जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, ये सजेशन उनके लिए ही है। यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रहा है, देखिए। वो आपको ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखना है इस जर्नी को, डाउट मत कीजिए, एनर्जी को अपने बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि कोई है जो इम्बैलेंस हो रहा है। ये सजेशन सबके लिए नहीं है। जो जो भी इम्बैलेंस कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है, जिसको यूनिवर्स के साइन समझ नहीं आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा और अपनी इंट्यूशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो आप अफर्मेशन करिए, या थर्ड आई चक्रा पे काम कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए, ताकि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ और स्ट्रोंग हो। स्ट्रोंग तो है ही, ऑलरेडी आप स्ट्रोंग हैं, लेकिन और ज़्यादा इसको मतलब निखारने की ज़रूरत है। वो आप इस तरह से कर सकते हैं, अपने थर्ड आई चक्र पे काम कीजिए, या कोई अफर्मेशन है थर्ड आई के लिए, इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, तो आप वो चीज़ करिए। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ परेशानी हो रही है, अगर आप कम्युनिकेशन जैसे ही आप कर लेते हैं, तो आपके कम्युनिकेशन भी हो रहे हैं। आप दोनों में आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन है, बिल्कुल है, और न्यू बिगनिंग आप लोगों की होगी इस जर्नी पे। एक नया मोड़ आएगा, आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। एक और मेरे पास कार्ड इस तरह से आया है, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। ये है पाइल वन वालों के लिए गाइडेंस। होप गाइस आपको कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से मिली हो, उसको फॉलो कीजिए। सजेशन जो मैंने दिया है, अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, कुछ है आप में, तो डेफिनेटली आपको इसके सजेशन फॉलो करने चाहिए, ताकि आप अपनी इस जर्नी को और फास्ट कर सकें। तो हो गाइज, ये थी मेरी रीडिंग पाइल वन वालों के लिए। आपको रेजोनेट किया है, लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, अगर पहले से कर रखा है तो थैंक यू सो मच। इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, आपको एंटरटेन करती रहूँगी। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जल्दी से अब मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग पाइल टू वालों के लिए, कि उनकी इस हफ्ते क्या सजेशन निकलता है। क्योंकि मैं सजेशन में ज़्यादा फोकस रहता है, ये नहीं होता है कि मैं आपको करंट फीलिंग बताऊँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं यूनिवर्स से मिल रही कोई गाइडेंस को आप तक पहुँचाऊँ। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो, ये गाइडेंस किसको ज़रूरत है, पर जहाँ इसकी ज़रूरत होगी मेरा ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये था पाइल टू वालों के लिए। अब मैं चेक करती हूँ पाइल टू वालों के लिए। जब तक मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ, तो आप प्रे कर लीजिए, ताकि यूनिवर्स से आपको एक्यूरेट आंसर मिल पाए। आपके जो सवाल हैं मन में, अगर कुछ है, तो उसका जवाब आपको आज इस रीडिंग में मिल जाए।
पहले मैं डीएफ एनर्जी देखूंगी, फिर मैं डीएम एनर्जी देखूंगी, और उसके बाद मुझे जो सजेशन यूनिवर्स से होगा तो मैं इस हफ्ते आपको वो गाइडेंस दूंगी जो इशू आपको हील करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी मुझे बैलेंस लग रही है। फेमिनिन एनर्जी तो आप पे बिल्कुल काफ़ी वर्क कर चुके हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं। स्पिरिचुअल ये जो जर्नी है आपकी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसमें आप काफ़ी आगे तक आ चुकी हैं। आप अपने फाइनेंसेस पे भी ध्यान दे रही हैं। देखिए कार्ड भी जैसे मैंने बोला वैसे ही आ गया। अगर आप किसी की चीज़ की वेट कर रही हैं, जॉब की या किसी प्रोजेक्ट पे काम करने की या प्रमोशन की किसी भी तरह का, अगर आप इस तरह से कोई इंतज़ार कर रही हैं तो वो चेंज अब आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है। मुझे अच्छा लगा आप लोगों के ऐसे कार्ड देख के, इसीलिए मैं कार्ड सामने से ही निकालती हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता है कि इस बार किसकी एनर्जी कहाँ तक किसको जाके कनेक्ट होगी। किसकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होगी उस तक वीडियो मेरा अपने आप पहुँच ही जाएगा। आप सजेशन चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि अगर आप कहीं से भी कुछ भी इम्बैलेंस कंडीशन में है तो आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि ये सब कुछ मैं अपने आप नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता, कार्ड मैं देखिए आपके सामने ही निकाल रही हूँ। ऐसा नहीं है मैंने कुछ भी अपने से करके रखा या मैं आप लोगों को मैनिपुलेट करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने स्पिरिचुअल आप हैं, आपका डीएम भी उतने ही स्पिरिचुअल हैं, उतना ही वर्क है। वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। मुझे ज़्यादा सजेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाइल टू वालों के लिए। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आपका डीएम आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है डेफिनेटली। ये मत सोचिए, देखिए एस ओ पेंटिकल आपकी साइड है तो ये देखिए एस ओ वॉन्ट डीएम की साइड में आया है। यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, ये देखिए ये 11-11 साइन, और इधर से मैं दिखाती हूँ, ये देखिए एनर्जी बैलेंस दिख रहा है आपको। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन, उनमें भी बैलेंस हो रही है जैसे आप बैलेंस हो रहे हैं। वेरी पॉजिटिव। अभी मैंने 11-11 नंबर भी देखा। वाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यूनियन वाले हैं ये। ओ ओ, जैसे मैंने बोला ये कार्ड आ गया। नहीं अभी नहीं है, यूनिवर्स कह रहे रुको रुको, इतनी जल्दी अनाउंस मत करो यूनियन को, अभी रुको, कुछ है जो नहीं पता है अभी। शायद कुछ और चैलेंजेस हैं या कोई और स्टेप है जहाँ पे आपको ये जर्नी लेके जाने वाली है। ये कार्ड मैंने इस साइड के लिए निकाला था, दो कार्ड, एक कार्ड और निकालती हूँ डीएम डीएफ की साइड। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है डेफिनेटली। हार्ट ब्रेक में है तो मत आइए, ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाउट कर रही हैं अपने पर्सन पे कि वो वहाँ पे मज़े कर रहा है, इस तरह की कुछ भी छोटी सी भी नेगेटिविटी अगर आपके मन में है भी तो उसको अभी निकाल दो, क्योंकि कार्ड में एक्चुअली मुझे दिखा था हार्ट ब्रेक, तो मैंने वो कार्ड चुना नहीं लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ गया, आई डोंट नो वाई। तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया है कि अपना दिल बचा के रखिए, कुछ भी ऐसा मत कीजिए, पेन वाली फीलिंग मत लेके आइए, क्योंकि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में है नहीं। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है। जैसे काम करते हैं आप करते रहिए,
पैसों का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है। किसी की तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है, बहुत जल्दी फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिलने वाला है। कोई नया प्रोजेक्ट, नई जॉब या फिर सोल मिशन, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रही हैं, तो यकीनन आपको कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस मिल जाएगी इस बात की कि आपको कब क्या करना है। आपने काफ़ी वर्क किया है, ट्रांसपेरेंसी मुझे दिख रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन लगी हुई हैं जो फेमिनिन है अपने ऊपर वर्क करने लगी हुई हैं और आपको अब रिजल्ट मिलने भी लगे हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंस में लग रही हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट है आपको अपने ऊपर। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है क्योंकि जिस तरह की मैं कार्ड देख रही हूँ। देखिए मैं क्या आपको सजेशन दूँ, सब कुछ तो ठीक है। आप ज़्यादा सजेशन आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए है नहीं, जैसी एनर्जी में हैं वैसे ही रहिए। बस ये चीज़ जो है जो आप कर रही हैं अपने अंदर शायद डूबी हुई हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच रही हैं कि कब होगा, या फिर यूनिवर्स से आप सोल मिशन के बारे में सोच रही हैं कुछ कि कौन सा मेरा सोल मिशन होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल में साइन देख रही हूँ। तो कुछ तो स्पिरिचुअल आप अपने अंदर ही ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर रही हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा सोल मिशन क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। इस तरह की सोच में आप डूबी हुई हैं, आप ज़्यादा वो नहीं सोच रही वो कब आएगा। ये वो वाली डीएफ नहीं है जो हमेशा मुझसे सवाल करती हैं कि मेरा डीएम कब आएगा। नहीं है, वो नहीं है, ये कंप्लीट फील कर रही हैं, इनको लगता है इनका डीएम इनके साथ ही है। ये वो वाली डीएफ है, काफ़ी पॉजिटिव है। वक्त आने पे आप एक्शन लेंगी और जो एक्शन आप लेंगी बिल्कुल सही लेंगी। कुछ चीज़ें अगर आपसे छुपी भी हैं उसका टेंशन मत लीजिए। डीएम के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता चलता, वो आपको बात नहीं करता है, आपसे बातें नहीं बताता है, तो उस चीज़ को आप परेशान मत हो, बस अपने दिल की बात सुनते रहें। आप जो जिस डायरेक्शन में आप जा रही हैं ना, वो डायरेक्शन आपके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में भी जा रही हैं बिल्कुल सही है। कुछ नया अब होने वाला है, अब आप इस जर्नी पे एक स्टेप और आगे मूव होने वाली हैं। ये स्टेप आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ लेके जाएगा, सोल मिशन की तरफ लेके जाएगा। ये तो आपके उस स्टेप के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये परेशान कर रही है कि डीएफ की साइड और डीएम की साइड में इस तरह की एनर्जी क्यों है, किस वजह से है ये चीज़ें। कहीं यहाँ पे डीएम, ये डीएफ का तो रिफ्लेक्शन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आप तो अपने आप में कंप्लीट है, या फिर इसका मतलब ये है कि जैसे आप वर्क कर रही हैं तो कुछ ना कुछ अवेकनिंग उनकी तरफ हो रही है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो आगे छोड़ के चले गए थे लेकिन वो आपको पीछे मुड़ के देख रहे हैं, वो पीछे वाला टाइम याद कर रहे हैं। बिल्कुल उनको आपकी याद तो आ रही है, ये आपकी याद का असर उन पे हो रहा है कहीं ना कहीं। अब आपसे बात नहीं हो रही है जितना असर आप पे होता था पहले, तो अब मुझे लग रहा है कि पीछे पीछे अब डीएम के साथ भी वो सब कुछ होने वाला है, हो रहा है। इसके बाद तो न्यू बिगनिंग ज़रूर होने वाली है, ये कुछ टाइम का ही अब रह गया है। थोड़ी सी जो नेगेटिविटी मैं डीएम की साइड में देख रही हूँ, वो नहीं समझ में आ रहा है उसको कुछ, ये क्यों हो रहा है, एक बार और चेक करना ज़रूर चाहूँगी। शायद आप अपने दिल की बात अपने डीएम को नहीं बताती हैं, तो ये एनर्जी शायद यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। मैं वही सोच रही थी कि ऐसा क्या है, डीएम को क्या हो गया, क्योंकि आप उनकी तरफ शायद उतना ध्यान नहीं दे रही हैं, तो वो भी थोड़े से कि होता है ना, थोड़ा सा मुझसे बात नहीं करती है, ये मेरे पे ध्यान नहीं देती है, उस तरह का है ये कहीं ना कहीं। क्योंकि अब डीएफ भी जाके ज़्यादा नहीं छेड़ती हैं अपने डीएम को। यहाँ पे देखिए ये एनर्जी, और ये देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिररिंग क्या होती है, ये होती है मिररिंग। ये देखिए डीएम की साइड में आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये भी देखिए कैसे बैठे हैं, ये भी देखिए कैसे बैठे हैं। ये है रिफ्लेक्शन, एक्शन लेने के लिए, टाइम आने पे एक्शन लेंगे और वो भी लेंगे। इधर से आप कुछ अपने जर्नी की तरफ से स्टेप बढ़ाएंगे, उधर से वो अपनी तरफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। उनकी भी एनर्जी बैलेंस हो रही है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। ये कार्ड देखिए, ये जो कार्ड हैं
डीएफ की साइड में आए हैं फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी, जिस तरह से बैलेंस किया है ना, ये देखिए डीएम की साइड में देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये होता है रिफ्लेक्शन। ध्यान पूरा दे रहे हैं, भले ही बात ना कर रहे हों आपके डीएम, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो आपके ऊपर निगाह रखे हुए हैं। अब मैं सजेशन देख लेती हूँ, सॉरी कैमरा हिल जाता है बार बार मेरे हाथ लगने से। सजेशन क्या है? कोई सजेशन नहीं है। सही जा रहे हो आप, यूनियन की तरफ जा रहे हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। अब मैं क्या सजेशन दूँ, जब ये कार्ड आ गया यूनिवर्स ने तो थम्स अप कर दिया है, हीलिंग हो रही है। स्पिरिचुअली तो आप लोग एक हो चुके हो, थर्ड पार्टी इधर भी आया था मुझे, डीएम साइड का भी कुछ सजेशन में ये कार्ड निकले हैं। वो शायद सोच रहे हैं, अभी सोचेंगे पर पॉजिटिव ही आप की तरफ आने वाले हैं। आप दोनों का यूनियन, सोलमेट एनर्जी कनेक्शन मुझे सब दिख रहा है इसमें। ये हीलिंग का कार्ड है, अगर वो चूज़ नहीं कर रहे थे जैसे उन्होंने सोचा था, अगर डीएम ने कि मैं जाऊंगा, मतलब अब वो जिस भी थर्ड पार्टी के साथ अभी इन्वॉल्व है, अब फिर से उन्होंने आपकी तरफ आने के बारे में सोचा तो ज़रूर है। रेनोवेशन का कोई काम चल सकता है, हो सकता है आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, या कोई आपके पास ही कुछ ऐसा। मुझे सजेशन में इस तरह से कार्ड निकलना, ये वाला कार्ड थोड़ा मैं इसमें देख रही हूँ, मुझे और एलैबोरेट करना पड़ेगा ये कार्ड क्यों आया है। शायद आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं तो उधर से भी है, शायद आप ऑलरेडी मैरिड है, वो ऑलरेडी मैरिड है, ये रीडिंग उनका भी लग रहा है मुझे। सजेशन में साइकिल कंप्लीट होने वाला है या फिर आप नए साइकिल में जाने वाले हैं। कंप्लीशन हो गया है, किसी चीज़ का कंप्लीशन हुआ है, सजेशन में आया है। इस कार्ड के लिए मैंने पूछा था कि ये कार्ड क्यों निकला, शायद उन्होंने डिसीजन बना लिया है कि वो किसको चूज़ करने वाले हैं, वो सोच चुके हैं। ऊपर से मुझे ये भी कार्ड आया है तो डेफिनेटली ये यूनियन का तो है, पर कब है अभी मैं भी नहीं जानती। ये किसका दिखा रहे हैं, किसके लिए ये वीडियो है, किसके लिए ये पर्टिकुलर आंसर जाने वाला है। एंजल ब्लेसिंग दे रहे हैं दोनों को, जिसका ब्रेकअप हुआ था वो ठीक होने वाला है, चीजें फिर से रीस्टार्ट होंगी, ये है सजेशन में। नए सिरे से फिर से आप दोनों में शुरू होगा, मुझे फाइनल आंसर मिल गया है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी रहिए, मैंने पहले भी बोला था कुछ नया होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये द लवर निकलना, द वर्ल्ड कार्ड निकलना, द टावर का रिवर्स में निकलना, ये सिर्फ यही दिखा रहा है कि इस जर्नी में अब एक नया मोड आने वाला है। कब तक आने वाला है ये मैं डिवाइन टाइमिंग पे ही छोड़ दूंगी, वो मुझे कमेंट करके मत पूछेगा मैडम कब आएगा, क्योंकि ये अभी जनरल रीडिंग है। हाँ मैं पर्सनल रीडिंग में फिर भी कुछ बता देती हूँ, लेकिन जनरल रीडिंग में कब क्यों, मतलब कब आएगा, इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं। मुझे नहीं पता कि सबको एक ही चीज़ तो रेजोनेट करेगी नहीं, मैं बोल दूँ एक महीने में यूनियन है या छः महीने में यूनाइट होंगे, तो मैं ये जनरल रीडिंग में कभी नहीं बता सकती, कब का आंसर मेरे पास नहीं होता जनरल रीडिंग में। जनरल रीडिंग में मैं ये बताती हूँ, हाँ ये होने वाला है, आप उस पर ट्रस्ट करिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली होगा। अगर आप मेरी गाइडेंस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने रीडिंग सुन ली, मैंने बोल दिया कि हाँ हो जाएगा और आप सोचो कि हाँ हो जाएगा, लेकिन आप ये भी सोचिए कि मैंने कुछ हील करने को भी बोला है, हो सकता है कुछ सजेशन बोला है, कुछ गाइडेंस आपको दी है, उस पर भी थोड़ा सा आप अपना ध्यान ज़रूर दीजिएगा, तब ज़रूर आपको ये रीडिंग आगे जाके ज़रूर मतलब पॉजिटिव की तरफ ही लेके जाएगी, मतलब यूनियन की तरफ ही ले जाएगी। अगर मैं बोलती हूँ तो आप गाइडेंस भी फॉलो कीजिए,
होप गाइस आपको रेजोनेट की हो मेरी ये रीडिंग। आप मेरे को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा मेरे इस वीडियो को, और अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप देखते रहें, एंटरटेन होते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।